में किया था, जिसमें मैं शामिल था। और वो तो एक अच्छी सी चीज़ हो गई कि लोगों को, प्रोविंसेस को अपना अपना सेल्स सर्विसेज पे सेल्स टैक्स मिल गया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें लोगों को दिक्कत आना शुरू हो गई। जिस तरह एक टेलीकॉम कंपनी है और वो सारे प्रोविंसेस में ऑपरेट करती है, उसको एक तरीके से 7 डिफरेंट एजेंसीज के साथ अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती और उसमें आपस में फिर एरर्स भी हो सकते हैं, ओमिशन भी हो सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ना सिर्फ के FBR उस सिस्टम पे आ जाएगा, लेकिन बाकी प्रोविंशियल जो आपके रेवेन्यू एजेंसीज हैं वो भी आ जाएंगी। और एक फर्ज करें एक कंपनी है, जायज़ है, तो उसको एक ही सेल्स टैक्स जो है वो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से डिफरेंट बैंक्स हैं, डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरे मुल्क में हैं, नेशनल है, या कोई ऐसी कंपनी है जो 2 प्रोविंसेस में है या 3 प्रोविंसेस में, तो ये सारों के लिए सहूलत है। और ये प्रोग्रेसिव तरीका है, मतलब टैक्स कलेक्शन करने का। मैं तो ये खैर, लेट मी स्टेप बैक। हार्मोनाइजेशन जो है उसकी टैक्स की, उस पर भी काफ़ी काम हो रहा है, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा कदम है उसी सिमत में। तो जब सिंप्लीफिकेशन होती है टैक्सेस की, तो लोग जो हैं उनको जब सहूलत होती है तो वो ज़्यादा टैक्स भी देते हैं। बल्कि हमें जब ये एक जगह टैक्स इकट्ठा करेंगे, हमारे ख्याल में टैक्सेस ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, बिकॉज उससे हमें भी मालूम होगा कि जो कंपनीज हैं वो कितना पैसे इकट्ठा कर रही हैं। अब मैं आता हूँ टैक्स की सिग्निफिकेंस पर। देखें, टैक्स जब तो नहीं कोई देगा, कोई मतलब अगर जिस मुल्क में टैक्सेस ही जमा नहीं होंगे तो तरक्की कैसे होगी। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, जर्मन इकॉनमी की मिनिस्टर आई थी 2009 में, अब मुझे उसने कहा था हमारे मुल्क में तो यह है, नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको तो वोट ही नहीं, आप टैक्स दें तो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और हमारा ये हालत है कि 22 करोड़ लोग हैं और 3 मिलियन हमारे टैक्स रिटर्न हैं, उसमें 1 मिलियन तो वो हैं जो सिर्फ फाइल करते हैं इसलिए कि विदहोल्डिंग टैक्स से उनकी छुट्टी हो। तो ये तो काम ठीक नहीं है। तो मैं अपना यकीन दिलाता हूँ इस कौम को कि अब वो ये चीज़ जो है ये चेंज होने शुरू होगी, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और हर टैक्स पेयर तक पहुँचेंगे। जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनको मैं एक किस्म से खुशखबरी दे रहा हूँ कि अगले चंद दिनों के हफ्तों में हम उनके पास पहुंच जाएंगे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है। अभी हमें नोटिसेस देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास डेटा होगा, हमने वो डेटा इकट्ठा कर लिया और मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स का वो डेटा इकट्ठा कर लिया। अब इंशाल्लाह डेटे के साथ हम जाएंगे और फिर उनको कहेंगे ये अपना देख लें, ये आपकी एक किस्म से हमने आपकी टैक्स रिटर्न बना दी है, आपके अगर आपके ख्याल में इसमें कोई गलती है तो पैनल ऑफ ऑडिटर्स हम उनको प्रोवाइड कर देंगे जो प्राइवेट सेक्टर से हों, और हम कहेंगे आप उनको कंसल्ट कर लें।
और देख लें कि ये वाकई सही है या नहीं है, बिकॉज मैंने जैसे वादा किया था हरासमेंट नहीं करेंगे हम, उनको कहेंगे आप देख लें चेक कर लें, और उसके बाद अगर फिर भी आप नहीं देंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब लोगों को मैंने बिल्कुल ये खुशखबरी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये हम उन तक पहुँच चुके हैं, अब सिर्फ ये है कि हमने वो स्विच को ऑन करना। तो अब जिस जिसने टैक्स देना है उसको मैं ये एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे उधर पहुंचने से पहले पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू कर दें, और ये नहीं है कि हम मफरूजों पे उनसे बात करेंगे, हम कंक्रीट डेटा देंगे कि उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे कितने हैं, कितने उन्होंने अपने यूटिलिटी बिल्स में पैसे दिए, कितना ट्रैवल पे पैसे खर्च किए वगैरह वगैरह। तो ये वक्त आ गया है कि हम अपनी जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करें और ये अपने टैक्स देना शुरू कर दें। हम इस तरह की जो सहूलत है वो देते रहेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करते रहेंगे। रिटेल में 18 ट्रिलियन की सेल है, 3.5 से 4 ट्रिलियन हम कैप्चर करते हैं, बाकी 14 ट्रिलियन जो है वो गायब हो जाता है। ये जो नया हम बिल लेके आए हैं मनी बिल, ये पैसा इकट्ठे करने में नहीं है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि 343 बिलियन रुपए का ये जो बिल है इसमें से 120 बिलियन तो मशीनरी कैपिटल गुड्स पे, 160 बिलियन वो फार्मास्यूटिकल, ये दोनों चीज़ों के रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। इसका मतलब हमें टैक्स नहीं चाहिए, हम सिर्फ चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन कि आप ये कह लें कि हमने ये इंपोर्ट किया या हमने ये प्रोड्यूस किया, और फिर ये आपकी लाइबिलिटी होगी कि आप आगे जिसको बेच रहे हैं उसका नाम पता कर लें ताकि उसको जाके ट्रांसफ़र कर दें, रिफंड ले लें हमारे से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो चेन जो हमने पहले तोड़ी हुई थी बड़ी देर से, वैट की चेन जिसको कहते हैं, इनपुट आउटपुट चेन, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी देर से नहीं है। ये मुझे याद है कि मैंने जब पिछली दफ़ा रिफॉर्म शुरू किए थे 2009 में और 10 में, मैं तो फरवरी में चला गया था 2010 में, ये रिफॉर्म होने थे उस जून से पहले पहले, तो ये होने नहीं दिया था लोगों ने, अब ये होंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैं आज हूँ और कल होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ रहा और इस मनसब में रहा ना, और ना सिर्फ कि सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, और वो इसलिए देना पड़ेगा कि इस मुल्क की ज़रूरत है। इस मुल्क के 220 मिलियन आवाम जो है वो इस चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है कि उनको उनको घर की ज़रूरत है, उनको नौकरियों की ज़रूरत है, और हम इसलिए नहीं दे सकते कि हमारे पास अगर टैक्स टू जीडीपी ही अगर 9% है या 10% है तो हमारा तो खर्चा ही 12% है से 13% जो करंट एक्सपेंस है, उधार लेके तो हम अपना करंट एक्सपेंडिचर जो है वो पे करते हैं, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो तो फिर और उधार, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप इर्द गिर्द देखें तो लोग जो हैं वो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं और जाके रेस्टोरेंट में जाके एक वक्त भी 30,000-40,000 रुपए का बिल दे देते हैं, लेकिन अगर आप जब उनके टैक्स रिटर्न देखें तो उन्होंने टैक्स रिटर्न में नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिर्फ 2 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स रिटर्न में, इसका 220 मिलियन में से अगर आप निकाल भी दें वो एग्रीकल्चर बेल्ट जिसके बीच में लोग बड़े तो थोड़ा टैक्स देते हैं या बल्कि उनकी इनकम थोड़ी है, और आपके पास अगर 38 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं तो कम से कम आपके पास 15 से 20 मिलियन तो कम से कम टैक्स पेयर्स होने चाहिए, वो नहीं है। तो ये मेरा पैगाम है आवाम को कि हम वो लोग नहीं हैं जो कि पैसे खुर्द बुर्द करते हैं, या जहां इमरान खान जो है वो भी मिस्टर क्लीन है, उनके भी कोई स्कैंडल नहीं होता, हम भी जिस बैकग्राउंड से आए हैं
बेसिकली मैं तो तनख्वाह भी नहीं लेता। वजह यह है कि इस कौम का दर्द इसलिए आए हैं कि इस कौम को हमने ठीक करना है। अब फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, वो है कि वेरी लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। अभी तो ये इकॉनमी की रीबेसिंग होगी, तो अभी हम इस दफ़ा मेरे ख्याल में 11.5% टैक्स टू जीडीपी में जाएंगे। अगर रीबेसिंग हो तो उससे भी कम, इन इफेक्ट हम लोग टैक्स ही नहीं देते। तो हम अपनी तरफ से सहूलत पैदा करेंगे, इस किस्म के प्लेटफॉर्म ला के हम सहूलत पैदा करेंगे, हरासमेंट नहीं करेंगे। सेल्फ असेसमेंट, आप सेल्फ असेसमेंट करें, आपको अगर उसमें कोई मुश्किल है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑडिटर जिससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। ये जो है, ये अब वो जो एक किस्म से इस मुल्क में एक रवायत चल रही थी कि हम इधर उधर से डक करके हम टैक्स नहीं देते थे, वो अब हम इंशाल्लाह कलेक्ट करेंगे। हमारा एफबीआर जो है वो एफिशिएंट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। लेकिन मैं उससे ज़्यादा एक रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि ज़रा देखें, इर्द गिर्द देखें, कितने लोगों को एक किस्म की गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है, और हमें अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम कैसे हेल्प कर सकें। आप यू कैन टर्न अराउंड एंड यू कैन से कि हुकूमत कौन सा सही तरीके से पैसे खर्च करती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत तरीके से, बहुत वजह हमारी ऐसी हैं जिसमें हमारी कोताही हैं, लेकिन चलें आएँ, ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। आप टैक्स देना शुरू करते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। हमारी अभी अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त है, नैब जो है बड़ा सख्त है, लेकिन और भी सख्ती हो सकती है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अब सबको टैक्स देना पड़ेगा, हम हरेसमेंट नहीं करेंगे लेकिन टैक्स कलेक्शन ज़रूर करेंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि एफबीआर भी अब मज़बूत इदारा बनता जा रहा है और तमाम तर जो आवाम हैं उनको टैक्स पेयर होना चाहिए। ये जो इकदाम है वो मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, टैक्स छुपाने वालों तक पहुँच चुके। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से इंकशाफ किया गया इस तकरीब में, और उन्होंने तकरीब में ख़िताब करते हुए ये भी कहा कि अब सबको टैक्स देना पड़ेगा, और उन्होंने ये कहा कि जनरल टैक्स के साथ साथ सेल्स टैक्स भी कलेक्ट किया जाएगा, इनकम टैक्स भी कलेक्ट किया जाएगा।